हज की फर्जियत के लिए शौहर या महरम का सफ़र में साथ होना शर्त है। हज करने के लिए रास्ते में अपने शौहर का या किसी महरम का साथ होना भी ज़रूरी है, बगैर इसके हज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मक्के से इतनी दूरी पर रहती हो कि इसके घर से मक्का तक 3 मंजिल ना हो तो बगैर शौहर या महरम के साथ भी जाना दुरुस्त है। अगर वो महरम नाबालिग हो या ऐसा बदतीन हो कि माँ बहन वगैरह से भी इस पर इत्मीनान नहीं, तो इसके साथ जाना दुरुस्त नहीं। जब कोई महरम काबिल इत्मीनान साथ जाने के लिए मिल जाए तो अब हज को जाने से शौहर का रोकना दुरुस्त नहीं है। अगर शौहर रोके भी तो इसकी बात ना माने और चली जाए। जो महरम इसको हज कराने के लिए ले जाए, इसका सारा खर्च उसी पर वाजिब है कि जो खर्च हो दे। अगर सारी उम्र ऐसा महरम ना मिला जिसके साथ सफ़र करे तो हज ना करे करने का गुनाह ना होगा, लेकिन मरते वक्त ये वसीयत कर जाना वाजिब है कि मेरी तरफ से हज करा देना। मर जाने के बाद इसके वारिस इसी के माल में से किसी आदमी को खर्च देकर भेजें कि वो जाकर मुर्दा की तरफ से हज करके आए। इससे उसके जिम्मे का हज उतर जाएगा और उस हज का जो दूसरे की तरफ से किया जाता है हज बदल कहते हैं।